प्यारे बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर नंबर 7 में इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रामर चेंज द डिग्री सीखने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रामर है बच्चों ये। अगर आपने ध्यान से इंटरेस्ट के साथ में ये छोटा सा वीडियो देखा ना, तो यकीनन आपको ये ग्रामर हमेशा के लिए याद हो जाएगा और स्कूल 10 के बोर्ड एग्जामिनेशन से लेके 12th के बोर्ड एग्जामिनेशंस तक और डिग्री कॉलेजेस में इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों को ये ग्रामर पूछा जाता है। ये हमेशा काम में आने वाला ग्रामर है। तो आइए देखते हैं चेंज द डिग्री में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। बच्चों, आपको सुपरलेटिव से कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री और कंपेरेटिव से पॉजिटिव डिग्री के सवाल पूछे जा सकते हैं। अब इन तीनों ग्रामर्स को ठीक से समझने के लिए आपके पास में कौन सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उसके लिए हमने आपको वीडियो नंबर 5 में एक बहुत ही बेसिक ग्रामर जिसका नाम है एडजेक्टिव, सिफत या विशेषण, हमने आपको बताया है। आपके सहूलत के लिए मैं इसको रिवीजन के तौर पर यहां एक स्लाइड दिखा रहा हूं। आप जरूर इसको देखिए और समझिए क्योंकि ये बेस है। तो एडजेक्टिव क्या होता है ये आपके लिए जानना जरूरी है। बच्चों, यहां पे लिखा है कि एडजेक्टिव इज ए वर्ड। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा लफ्ज है, एक ऐसा शब्द है दैट डिस्क्राइब्स ए नाउन, जो किसी नाउन को बयान करता है, किसी नाम के बारे में कुछ कहता है या प्रोनाउन के बारे में कुछ कहता है। कहाँ कहता है? इन ए सेंटेंस, एक जुमले में। इट नॉर्मली इंडिकेट्स क्वालिटी, इससे क्वालिटी का पता चलता है, साइज का पता चलता है, उसके शेप का पता चलता है, ड्यूरेशन वक्त का पता चलता है, फीलिंग्स कॉन्टेंट्स एहसास का या उसमें क्या लिखा है उसके बारे में जानकारी मिलती है। एंड मोर अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के बारे में इस तरह की जो मालूमात मिलती है और जो शब्द, जो वर्ड्स इस तरह की मालूमात देते हैं बच्चों, उसे हम सिफत कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं और हिंदी में उसे विशेषण कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंगो इज ए स्वीट फ्रूट। आप समझ गए होंगे कि मैंगो एक फ्रूट है, लेकिन यह फ्रूट कैसा है? स्वीट है, मीठा है, इसलिए ये जो स्वीट है ना, ये एडजेक्टिव है। बच्चों, ये ग्रामर नंबर 5 का शॉर्ट रिविजन था। अगर आप लोग ग्रामर नंबर 5 के वीडियो को देख लेते हो तो यकीनन आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग वीडियो नंबर 6 का एक छोटा सा ग्रामर का रिविजन करेंगे। उसमें हमने आपको बताया था कि किसी भी एडजेक्टिव के डिग्रीज क्या होते हैं। एडजेक्टिव के डिग्रीज बच्चों होते हैं पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव। ये 3 डिग्रीज होती हैं। ये लिखना, पढ़ना और समझना आपको आना चाहिए। ये 2 बेस चीजें थी ग्रामर नंबर 5 की और ग्रामर नंबर 6 की। ये बुनियाद जो हमने आपको बताया है ये इस ग्रामर नंबर 7 में आपके काम आने वाला है। तो बच्चों, पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, कंपेरेटिव डिग्री क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, ये हमने आपको वीडियो नंबर 6 में बताया है। एक स्लाइड के जरिए आपको हम इसका रिवीजन करा दें, फिर हम अपने ग्रामर की शुरुआत करते हैं। बच्चों, ये जो टेबल है ये पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को बयान करता है। मिसाल के तौर पर गुड का कंपेरेटिव बेटर होगा और बेटर का सुपरलेटिव बेस्ट होगा। गुड का मतलब अच्छा होता है, उससे बेहतर कोई चीज मिल जाए तो बेटर कहते हैं और सबसे बेहतर कोई चीज मिल जाए तो बेस्ट कहते हैं। स्वीट यानी मीठा, आप जानते हो, अगर उससे भी मीठी कोई चीज मिल गई तो हम वहां स्वीटर कहते हैं और सबसे मीठी कोई चीज मिल गई तो क्या कहेंगे हम? स्वीटेस्ट कहेंगे। नियर नजदीक, नियरर उससे भी नजदीक और नियरेस्ट सबसे नजदीक। इसी तरह से फार दूर को कहते हैं फारदर, उससे दूर फारदेस्ट सबसे दूर। कॉस्टली महंगा, कॉस्टलियर उससे महंगा, कॉस्टलीएस्ट सबसे महंगा। इसी तरह से ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। आपने यहां पर क्या देखा?
कि कंपेरेटिव में सबके लास्ट में ईआर 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 आता है। ये वीडियो नंबर 6 में बहुत ही अच्छे अंदाज में हमने आपको समझाया है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। यहां हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री दी गई है, बेस्ट दिया है, और आपसे मैंने कहा कंपेरेटिव में करो तो बेस्ट को बेटर कर देना, मैंने कहा इसको पॉजिटिव में करो तो बेस्ट को गुड कर देना, स्वीटेस्ट मैंने आपको दिया सुपरलेटिव डिग्री में, मैंने एक वर्ड दिया स्वीटेस्ट, और हमने कहा इसको कंपेरेटिव में करो तो ई एस टी को हटाकर क्या लगा देंगे, ई आर लगा देंगे, मतलब स्वीटेस्ट का क्या हो जाएगा, स्वीटर हो जाएगा। और मैंने कहा नहीं इसको पॉजिटिव में भी करो तो आप लोग ई एस टी हटा देना, सिर्फ स्वीट रह जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि नियरेस्ट का कंपेरेटिव क्या होगा बच्चों, बेशक नियरर होगा, नियरेस्ट का पॉजिटिव क्या होगा, नियर होगा। तो ये चीजें आपके जहन में आनी चाहिए कि कंपेरेटिव डिग्री में ई आर लगता है और सुपरलेटिव डिग्री के लास्ट में ई एस टी एस टी अक्सर पाया जाता है, और अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में ना तो ई आर होता है ना ही ई एस टी होता है, वो मेन वर्ड होता है एडजेक्टिव का। तो आइए हमने आपको बताया कि डिग्री के 3 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव कंपेरेटिव सुपरलेटिव, हमने उसके एग्जाम्पल्स देखे। अब हम लोग असली ग्रामर आज के वीडियो नंबर 7 के ग्रामर पर आते हैं, और एग्जाम्पल नंबर 1 के जरिए जो पहला ग्रामर है सुपरलेटिव से कंपेरेटिव करने का वो हम सीखने जा रहे हैं। बच्चों ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान ग्रामर है, अगर आप ये सीख लेते हो तो यकीनन आपके एग्जामिनेशंस में ये बहुत ही फायदा पहुंचाने वाला ग्रामर है। हम लोग सीखने क्या जा रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री को कंपेरेटिव में करना। सुपरलेटिव समझ गए, ऐसा ग्रामर ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में ई एस टी था थोड़ी देर पहले टेबल में, और कंपेरेटिव क्या होगा बच्चों, जिसके लास्ट में ई आर था। आइए एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करें। एग्जाम्पल, मैंगो इज द स्वीटेस्ट फ्रूट। बच्चों ये सुपरलेटिव डिग्री में है, क्यों सुपरलेटिव डिग्री में है, क्योंकि यहां स्वीट के लास्ट में ई एस टी लगा हुआ है। बच्चों ई एस टी को मैंने रेड में क्यों लिखा है, स्वीटेस्ट के पहले दा को मैंने रेड में क्यों लिखा है, क्योंकि ये दो चीजें पहचान है सुपरलेटिव डिग्री की। बच्चों जब किसी भैंस को की शक्ल को गधे में चेंज करने के लिए क्या कहा जाए तो आप क्या करोगे, बताओ क्या करोगे, भैंस की सींग को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि गधे की सींग नहीं होती है, मतलब पहले उसकी पहचान मिटानी पड़ेगी इन शॉर्ट। तो मैंगो इज द स्वीटेस्ट फ्रूट में जो सुपरलेटिव की पहचान है वो ये दा है और वो ई एस टी है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये दा कट करोगे, उसके बाद ई एस टी कट करोगे, ई आर लगा दोगे, स्वीटर हो गया। ये दो चेंज करने के बाद आप इसको अब आंसर लिखना शुरू करोगे। आओ लिखना शुरू करते हैं। आपने मैंगो इसको ऐसे ही कॉपी कर लिया, दा को आपने कट कर दिया, स्वीटर नीचे आ गया, स्वीटेस्ट का स्वीटर बन गया था, वो नीचे आपने कॉपी कर लिया, और अपनी तरफ से यहाँ पे 3 अल वर्ड्स लिखने हैं, 3 अल्फाज लिखने हैं, वो कौन से हैं, दैन एनी अदर, ये आपको खुद से लिखना पड़ेगा। कंपेरेटिव में करते वक्त में आपको ये 3 वर्ड खुद से लिखना पड़ेगा, दैन एनी अदर, और अब बच गया फ्रूट, इस फ्रूट को आप यहां पर कॉपी कर लीजिए। तो इस तरह से ये आंसर हो गया, मैंगो इज स्वीटर देन एनी अदर फ्रूट। क्या किया आपने, सबसे पहले दा कट किया, मैंगो इसको ऐसे ही कॉपी किया, दा कट कर दिया, दा कट करने के बाद स्वीटेस्ट को स्वीटर बनाकर कॉपी किया, 3 अल्फाज अपनी तरफ से लिखे, और जो लास्ट का वर्ड है उसको आपने वैसे ही कॉपी कर लिया। आओ एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मैंगो इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट फ्रूट्स। बच्चों इस बार दा अकेला नहीं है, इस दा के साथ में वन ऑफ भी लगा हुआ है, तो आपको कभी कभी ऐसे एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे जहां पर दा नहीं होगा वन ऑफ दा होगा। कोई बात नहीं है, वन ऑफ दा रहे या दा रहे, हमें दोनों को क्या करना है, कट कर देना है। और पिछले बार की तरह यहां भी स्वीटेस्ट को हम लोग क्या करेंगे, ई एस टी को कट करके स्वीटर करेंगे और पूरा सेंटेंस कॉपी करना शुरू करेंगे। दो चेंज हमने किया,
क्या चेंज किया, वन ऑफ द को कट किया और स्वीटेस्ट को स्वीटर किया। अब हम लोग कॉपी करेंगे, चलो मैंगो कॉपी कर लो, मैंगो आ गया, वन ऑफ द कट है, मैंगो इज नीचे आ गया, हमने कॉपी कर लिया, वन ऑफ द कट है, स्वीटर को आप नीचे ले आइए, आप नीचे ला चुके हैं, और तीन वर्ड जो हमने यहां पे लिखे थे देन एनी अदर, वो यहां देखिए क्या बन जाता है, यहां बन जाता है देन मेनी अदर। क्या चेंज हुआ बच्चों, ये जो एनी है यहां मेनी हो गया, क्यों मेनी हो गया, क्योंकि यहां पे हमने वन ऑफ द तीन वर्ड्स कट किए हैं और यहां पे एक ही वर्ड कट किया था। जब सिर्फ द कट करोगे तो एनी अदर लगाना, और जब तीन वर्ड्स कट करोगे तो देन मेनी अदर लगाना, और ये जो फ्रूट्स है इसको ऐसे ही कॉपी कर लो। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम सुपरलेटिव को कंपेरेटिव में बदल रहे हैं। इसमें मेन रूल क्या देखा आप लोगों ने, मेन रूल आपने ये देखा कि जब आप द कट करते हो तो वहां देन एनी अदर लगता है, और वन ऑफ द कट करते हो तो आप क्या लगाते हो, देन मेनी अदर। याद रखना बच्चों, द देन एनी अदर, वन ऑफ द वाले में देन मेनी अदर, ये एनी और मेनी का डिफरेंस अपने माइंड में रखो संभल कर। आओ एक एग्जांपल और देख लेते हैं सुपरलेटिव के कंपेरेटिव का, फिर उसके बाद हम लोग अगले ग्रामर में चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर टू ग्रामर का एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी। सब जानते हैं कि मुंबई सबसे बड़ा शहर है। अब इसमें क्या करेंगे आप लोग बताइए, आपको हमने रूल्स बता दिए हैं, आपको हमने सारी चीजें बता दी हैं, इसका आंसर गेस कीजिए। गेस करते हैं, द कट किया, ईएसटी कट किया, बिगेस्ट को बिगर कर दिया, मुंबई इज कॉपी कर लिया, बिगर कॉपी कर लिया, देन एनी अदर लगा दिया और सिटी नीचे आ गया, मुंबई इज बिगर देन एनी अदर सिटी। एक और एग्जांपल देखते हैं, मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज, यहां वन ऑफ द वाला सेंटेंस है, क्या करोगे आप लोग बताओ, वन ऑफ द कट करोगे, यस कट करना है, और उसके बाद में ईएसटी कट करोगे, यस, उसके बाद क्या करोगे, बिगेस्ट को बिगर करोगे और अब कॉपी करना शुरू करोगे, मुंबई इज वन ऑफ द कट हो चुका है, बिगर बिगर अपनी तरफ से तीन वर्ड लगाना है, क्या लगाओगे, देन एनी अदर लगाओगे या कुछ और लगाओगे बताओ जल्दी मुझे, देखो देन मेनी अदर लगा, क्यों देन मेनी अदर लगा, क्योंकि यहां हमने तीन वर्ड्स कट किए हैं, द अकेला था, देन एनी अदर वन ऑफ द तीन वर्ड्स हैं, देन मेनी अदर सिटीज को अब ऐसे हम कॉपी कर लेंगे। बच्चों ये थे हमारे सुपरलेटिव से कंपेरेटिव के उसूल और रूल्स आपने देखे। अब हम ग्रामर नंबर टू में चलेंगे जहां हम लोग सीखेंगे सुपरलेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाया जाए। सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए हम एग्जांपल्स लेते हैं। मैंगो इज द स्वीटेस्ट फ्रूट, बच्चों ये वही एग्जांपल है जिसका आप अभी कंपेरेटिव कर चुके हो, अब इसको हम पॉजिटिव करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले इसकी पहचान हटानी पड़ेगी, हमने पहचान दा को कट कर दिया, स्वीटेस्ट हमने कट कर दिया, स्वीटेस्ट का हमने ईएसटी कट कर दिया, और अब ये कट करने के बाद ये दो चीज मिटाने के बाद दा कट करना है और ईएसटी कट करना है। आप लोगों को दा और ईएसटी कट करने के बाद यहां पर आपको एज एज लगाना है, मतलब ये जो ईएसटी कट करने के बाद जो वर्ड बचता है स्वीटेस्ट का, जो स्वीट बचता है, इसके पहले आप एज और एज लगा लो। अब ये आपकी तैयारी हो गई, अब हम इसको नंबरिंग करेंगे, लास्ट से नंबर देना शुरू करेंगे। लास्ट में कौन सा वर्ड है, फ्रूट, फ्रूट को वन देंगे, और हेल्पिंग वर्ब इज से लेकर यहां तक नंबर टू देंगे, और उसके बाद जो बच गया उसको क्या देंगे, नंबर थ्री, यानी यहां से हम नंबरिंग करना शुरू करेंगे। नंबरिंग करने का मतलब है कि ये पहले कॉपी करना है, यस, कैसे कॉपी करना है, ये जो फ्रूट था आपने पहले कॉपी कर लिया, नंबर टू पे क्या था, इस से लेकर ये स्वीट था वो कॉपी कर लिया, और नंबर तीन पे क्या था आपने, ये कॉपी कर लिया। बच्चों हमने यहां पे ये बताने की कोशिश की है कि यहां पर
पूरा रिवर्स डायरेक्शन में सेंटेंस हो जाएगा। जो वर्ड लास्ट में था वो शुरू में हो जाएगा और जो पहले था वो लास्ट में चला जाएगा। हाँ, आपको अपने जुमले की शुरुआत नो अदर से करनी है, नो अदर से करनी है। तो आपने इस ग्रामर में क्या सीखा कि सबसे पहले आपको दा कट करना है, ईएसटी स्वीटेस्ट का ईएसटी कट करना है, एज और एज लगाना है। ये तैयारी करने के बाद लास्ट वर्ड को ईएसटी के बाद के वर्ड को वन लिखना है, इज से लेकर ईएसटी तक दो लिखना है और जो बच गया उस पे तीन लिखना है। और अब उसके बाद खुद से नो अदर लिखकर नंबर वन जिस पे लिखा था वो कॉपी कर लो, फिर नंबर टू जिस पे लिखा था वो कॉपी कर लो और फिर नंबर तीन जिस पे लिखा हुआ है वो कॉपी कर लो। इस तरह से आपने सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री कैसे करना है ये तरीका सीखा। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। मैंगो इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट फ्रूट्स। क्या चेंज इसमें आया बच्चों? इसमें द की जगह पर वन ऑफ द है। हम लोग क्या करेंगे, सुपरलेटिव की पहचान वन ऑफ द को हटा देंगे, सर्कल में कर देंगे मतलब कट कर देंगे, और क्या करेंगे ई एस टी को हटा देंगे, सर्कल में कर दिया हमने, और क्या करेंगे तीसरा काम, स्वीट से पहले एज और बाद में एज लगा देंगे। तीन बेसिक काम होना है पहले। कौन सा तीन बेसिक काम होना है? सुपरलेटिव की पहचान को मिटाना है। अब हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए लास्ट वर्ड तलाश करेंगे जो ई एस टी के बाद है, उस पे वन लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब तलाश करेंगे इज से लेकर ई एस टी तक जितने भी अल्फाज हैं सब पे दो लिखेंगे, टू लिखेंगे, और इज से पहले जो भी वर्ड्स हैं या वर्ड है उस पे हम तीन लिखेंगे। अब हमारा सेंटेंस रेडी है आंसर के लिए। आओ हम अपना आंसर लिखें। क्या देखा आपने? जुमले की शुरुआत वेरी फ्यू से किया। बच्चों इसके पहले हमने जुमले की शुरुआत नो अदर से किया था, यहां हमने वेरी फ्यू से किया। आप बता सकते हो क्यों? यस, क्योंकि यहां पर वन ऑफ द कटा है। जब आपके सेंटेंस में वन ऑफ द रहे और सुपरलेटिव से पॉजिटिव में करने के लिए कहा जाए तो अपने सेंटेंस की शुरुआत वेरी फ्यू से करो। उसके बाद नंबर वन पे क्या लिखा है? फ्रूट। आप यहां ले आइए फ्रूट्स। उसके बाद नंबर टू पे क्या लिखा है? इज एज स्वीट एज। देखो बच्चों यहां इज यहां आकर क्या बदल गया? आर। क्यों बदल गया? क्योंकि आपने टेंस पढ़ा है, आप जानते हो कि सिंगुलर के बाद इज लगता है और प्लूरल के बाद में आर लगता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स के उसूल हमने आपको टेंसेज में सिखाए हैं। फ्रूट्स प्लूरल है, एक से ज्यादा फ्रूट्स हैं, इसके लिए इज यहां नहीं चलेगा, यहां आर लगाना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा कि जब यहां पर प्लूरल वर्ड रहे तो इज को आर कर दिया करो। उसके बाद क्या है? एज स्वीट एज। देखो यहां एज स्वीट एज है। और आखिरी चीज क्या है? मैंगो। जो शुरू में था वो आखिर में चला गया। आप लोगों ने सुपरलेटिव से पॉजिटिव के दो एग्जाम्पल सीखे। आइए इसका रूल एक साथ देख लेते हैं। रूल्स क्या लिखा हुआ है? स्टार्ट द सेंटेंस विथ। आप अपने जवाब का जो जुमला है वो स्टार्ट कीजिए। किससे स्टार्ट करेंगे? नो अदर से। कब करेंगे? जब आपने अपने सेंटेंस में द कट किया हो। और वेरी फ्यू से शुरू करेंगे जब आपने वन ऑफ द कट किया हो। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। आपके पास जो एग्जांपल है, मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी। बच्चों बताओ इसमें पहले आप क्या करोगे? आपको अंदाजा होगा कि पहले हम द कट करेंगे, फिर बिगेस्ट का जीईएसटी कट करेंगे क्योंकि बिगेस्ट का पॉजिटिव बिग होता है, और उसके बाद क्या करोगे बच्चों? एज और एज लगाओगे। ये तीन चीजें करने के बाद आप नंबरिंग करोगे और नंबरिंग करने के बाद उसका आंसर लिखोगे। देखो यहां हमने नंबरिंग नहीं किया है क्योंकि ये रिपीटिशन ऑफ द एग्जांपल है। यहां हमने शुरुआत नो अदर से की क्योंकि हमने द कट किया था। सिटी लिखा पहले मैंने क्योंकि ये लास्ट वर्ड था। इज से लेकर ई एस टी तक क्या है? इज एज बिग एज यहां पर लिखा गया, और मुंबई जो पहला वर्ड था वो लास्ट में लिखा गया। एक और एग्जांपल देखते हैं।
मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज। बच्चों यहां पर आप पहले क्या करोगे, ये वन ऑफ द वाला एग्जाम्पल है, इसमें वन ऑफ द कट करोगे, बिगेस्ट का GEST कट करोगे, एज एज लगाओगे और अपने जुमले की शुरुआत कैसे करोगे देखो। गुड, वेरी फ्यू लगाया हमने। क्यों वेरी फ्यू लगाया? क्योंकि वहां वन ऑफ द कट हुआ है। जहां पर वन ऑफ द कट होगा वहां पर पॉजिटिव में करते वक्त में शुरुआत वेरी फ्यू से हम करेंगे, ये रूल्स हमने आपको बताया है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब से लेकर यहां तक, मतलब इज एज बिग एज को यहां लिखा जाएगा। उसूल के मुताबिक यहां पर सिटीज प्लूरल है, जमा है, बहुवचन है, इसलिए इज को आपने आर कर दिया। एज बिग एज ऐसे ही रहेगा और जो पहला वर्ड था इससे पहले मुंबई वो आखिर में आ गया। वेरी फ्यू सिटीज आर एज बिग एज मुंबई। आप लोगों ने सुपरलेटिव टू पॉजिटिव के दो टाइप के एग्जाम्पल्स देखे। बच्चों अब आखिरी ग्रामर जिसका नाम है कंपेरेटिव टू पॉजिटिव, ये हम सीखने जा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैंगो इज स्वीटर देन ऑरेंज, ये कंपेरेटिव डिग्री है बच्चों, ये कंपेरेटिव डिग्री है बच्चों। क्यों कंपेरेटिव डिग्री है? क्योंकि यहाँ पे ER लिखा है। स्वीटर कंपेरेटिव होता है, कंपेरेटिव की पहचान ER है और ये कंपेरेटिव जहां भी रहेगा देन लगेगा। तो हमें इस बार कंपेरेटिव की पहचान को हटाना है, मिटाना है। तो ER उसकी पहचान है, आप ER को सर्कल कर दीजिए, मतलब कट कर दीजिए। देन को मिटाना है, देन को आप सर्कल कर दीजिए, कट कर दीजिए। और अब उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, एज और एज लगाना है। पॉजिटिव में आप जब भी करोगे कोई भी सेंटेंस तो पॉजिटिव डिग्री से पहले एज और बाद में भी एज लगाना है। कभी कभी कुछ लोग सो एज भी लगाते हैं। मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं, इसलिए मैंने सो का यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है। एज एज लगाओगे आपको नंबर मिल जाएगा। तीन काम किया आपने, पहला काम क्या किया, ER हटाया, दूसरा काम किया देन कट किया, तीसरा काम क्या किया आपने, एज और एज लगा दिया। अब नंबरिंग करो, वन लास्ट वर्ड पर, टू हेल्पिंग से लेकर स्वीटर तक, और थ्री इससे पहले जो भी वर्ड्स हैं, थ्री। ये आंसर रेडी है लिखने के लिए, लिखते हैं। तो बच्चों ऑरेंज वन पे था, आ गया। इज एज स्वीट एज यहां पर आ गया, और मैंगो आपने जो शुरू में था लास्ट में लिखा। ये जो नॉट है बच्चों, ये जो नॉट आप देख रहे हो, ये नॉट, ये हम कब लिखते हैं और क्यों लगते हैं आप उसको समझ लीजिए। यहां पर देखिए, अगर इज के बाद नॉट है तो आप यहां नॉट नहीं लिखोगे, और अगर इज के बाद नॉट नहीं है तो आप यहां नॉट खुद से लिखिए। हर सेंटेंस में नॉट रहेगा आपको नॉट नहीं लिखना है, और नॉट नहीं रहेगा तो नॉट लिखना है। आपका आंसर रेडी है, ऑरेंज इज नॉट एज स्वीट एज मैंगो। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। हम लोग कंपेरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में काम करना सीख रहे हैं। यहां हमने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया है जिसमें नॉट पहले से मौजूद है। बच्चों मद्रास इज नॉट बिगर देन मुंबई, यहां पर हम उसकी पहचान मिटाएंगे, पहले नॉट हटा देंगे, बिगर का GER हटा देंगे और देन को हटा देंगे। अब हम नंबरिंग करेंगे एज एज लगाने के बाद, वन टू एंड थ्री। यस, नाउ माई आंसर इज रेडी टू राइट डाउन इन द आंसर शीट। मुंबई आप यहां कॉपी करोगे, नंबर वन, इज से लेकर बिग तक आप यहां कॉपी करोगे, इज एज बिग एज, और मद्रास जो शुरू में था आप लास्ट में कॉपी करोगे। मुंबई इज एज बिग एज मद्रास। आपने बच्चों क्या देखा, कंपेरेटिव से पॉजिटिव में करने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नॉट है तो नॉट को कट कर दो, यहां आंसर में नॉट नहीं लगेगा, और अगर इज के बाद नॉट नहीं है तो यहां आप इज के बाद नॉट लगा लीजिए। अंडरस्टैंड? और वन टू
थ्री रिवर्स ऑर्डर में लिखकर आप अपने आंसर को लिख लीजिए। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको चेंज द डिग्री के सभी एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। आइए एक टेस्ट लेते हैं, एक टेस्ट देते हैं ये समझने के लिए कि हमें कितना समझ में आया। सवाल है, पुणे इज द कूलेस्ट सिटी। चलो बताओ, सुपरलेटिव डिग्री में है ये और आपको इसे कंपेरेटिव डिग्री में करना है। कैसे करोगे? देखिए, हो सकता है आपका आंसर राइट रहा हो। पुणे इज कूलर देन एनी अदर सिटी। क्यों? क्योंकि आपने दा कट किया होगा। पुणे इज को आपने ऐसे ही लिखा, दा कट के कट करके कूलेस्ट को कूलर लिखा, कूलर लिखने के बाद अपनी तरफ से तीन वर्ड लिखा, देन एनी अदर और आपने सिटी लिख दिया। इसी चीज को अगर हम लोग पॉजिटिव में करना चाहें तो शुरुआत नो अदर से करना पड़ेगा, क्योंकि दा है और नो अदर सिटी इज एज कूल एज पुणे। और एक एग्जांपल और देखते हैं। टेस्ट नंबर टू, आपको इसका आंसर लिखना है, गेस करना है, उसके बाद हम आपको इसका आंसर बताएंगे। चलो, पुणे इज वन ऑफ द कूलेस्ट सिटीज, इसका आंसर क्या होगा? ये सुपरलेटिव में है, आप इसे कंपेरेटिव में कीजिए। आप इसे कंपेरेटिव में कीजिए, कैसे करोगे? चेक करो। यस, पुणे इज कूलर देन मेनी अदर सिटीज। क्यों? देन मेनी अदर क्यों आया? क्योंकि यहां वन ऑफ द कट हुआ है। पुणे इज आपको ऐसे ही लिखना है, वन ऑफ द कट करके आपको कूलेस्ट को कूलर करना है और देन मेनी अदर लिख के सिटीज को सिटीज कर देना है। एक एग्जांपल और देखते हैं पॉजिटिव का। वेरी फ्यू सिटीज आर एज कूल एज पुणे। क्यों? वेरी फ्यू की शुरुआत क्यों किया हमने? क्योंकि यहां वन ऑफ द कट हुआ है। वन ऑफ द कट होगा, शुरुआत वेरी फ्यू से करनी पड़ेगी और नंबर वन वो होगा जो लास्ट में रहेगा, सिटीज। प्लूरल होने की वजह से इज आर बन गया और कूलेस्ट के पहले एज कूल एज आपने लगा दिया और फर्स्ट वर्ड जो था वो लास्ट में चला गया। अब हम आखिरी स्लाइड आपके सामने पेश कर रहे हैं, टेस्ट नंबर थ्री। गोल्ड इज कॉस्टलियर देन सिल्वर। बच्चों इसका पॉजिटिव डिग्री होगा, क्या होगा बताइए, आंसर लिखिए। हम आपको आंसर दे रहे हैं, यस, सिल्वर इज नॉट एज कॉस्टली एज गोल्ड। ये जो टेस्ट था ये कंपेरेटिव डिग्री से पॉजिटिव में करने के लिए था और यहां पर आपने नॉट नहीं है इसलिए नॉट लगाया। एक एग्जांपल और देखते हैं, गोल्ड इज नॉट कॉस्टलियर देन यूरेनियम। यहां पे नॉट है इसलिए आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। आंसर चेक करें, यूरेनियम इज एज कॉस्टली एज गोल्ड। आपने लास्ट का जो वर्ड है यूरेनियम शुरू में लिया, इज लिया, नॉट कट करके आपने जो ये कॉस्टलियर है इसको एज कॉस्टली एज लिखा और गोल्ड जो फर्स्ट वर्ड था उसको आपने लास्ट में कर दिया। तो बच्चों ये थे आपके चेंज द डिग्री के सभी रूल्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव लर्न चेंज द डिग्री। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। अगर आपको कुछ डाउट है दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं और अगर कुछ और भी डाउट बचता है आपको वीडियो में देखने के बाद भी तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे वो सवाल पूछ सकते हैं।